बस दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल इंडिया नंबर वन इमर्जिंग स्कूल जहां है एकेडमिक्स स्पोर्ट्स एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स का बेहतरीन कॉम्बिनेशन एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्री नर्सरी टू नाइन्थ हम तो 3 महीने हो गए सर यहाँ फंसे हुए थे हम लोग जोधपुर में थे खेमे कुआ में काम धंधा पूरा बंद था 3 महीने तक कैसे ही खाए हम भी सरकार ले रहे जा रहे हैं कहाँ जा रहे हो छत्तीसगढ़ जा रहे हैं सर रायपुर तो किसकी तरफ से जा रहे हो सरकार ले रहा है सर अच्छा कहाँ पे रहते थे और क्या करते थे हम लोग जोधपुर में थे खेमे कुआ में विक्टोरियल प्लस था अपना कंपनी के नाम लेकिन लॉकडाउन के बाद पूरा काम बंद हो गया था आज घर जाके के जा रहे हो बहुत बहुत खुशी है सर हम कितने मेंबर हो हैं हम लोग 5 आदमी हैं पाँच आदमी सेवा है सरकार ने फ्री हाँ फ्री में दिया है सब क्या कहना चाहोगे सरकार को सर सरकार को धन्यवाद और क्या बोलेंगे सर आपका नाम मेरा नाम कार्तिक के सर है नायक रितिका बोरा मैं हम लोग छत्तीसगढ़ जा रहे हैं मतलब कितने महीने से परेशान था यहाँ पे 3 महीने हो गए रेगुलर 3 महीने से परेशान हूँ मैं यहाँ पे आज कोई जाकर सरकार ने ट्रेन चलाई है बहुत अच्छा लग रहा है हमें मतलब किस जगह रह रहे थे आप 3 महीने से हम चंद्रवर्धा ही रह रहे थे क्या कार्य करते थे कौन कौन था आपके साथ मैं दूर के रिश्तेदारों के यहाँ ठहरी हुई थी अच्छा। बहुत बड़े मुश्किल से समय पार किया ना तो पैसे थे और वैसे दूसरों का समर्थन भी नहीं रहता है दूसरों के यहाँ रहने से अपने अगर अपने हो तो फिर भी समर्थन मिल भी जाता है और दूर के रिश्तेदार कौन हमें रखेगा और बच्चों का भी कौन सहन करेगा फिर भी 3 महीने निकाले यहाँ पे और अब कहाँ जा रहे हो अब छत्तीसगढ़ जा रहे हैं लग रहा है आपको बहुत अच्छा लग रहा है पूरा परिवार आप मिलोगे पूरे परिवार जी बिल्कुल मेरे हस्बैंड मेरे सास ससुर सब वहीं पर ही है तो आप यहाँ किस काम से आए थे शादी में शामिल होने के लिए जी कितने समय से अटके 3 महीने से आपका नाम ये सर ये फ्री सेवा सरकार फ्री सेवा दे रही है आपको जी आपका नाम रितिका बोरा आज अजमेर से छत्तीसगढ़ के लिए एक स्पेशल ट्रेन रवाना की है श्रमिक ट्रेन जिसमें करीब 674 मजदूर हैं जिसमें मुख्यतः ईंट भट्टे में जो कार्य कर रहे थे उन परिवार के और मजदूर हैं जो वो उनको आज यहाँ से अजमेर से छत्तीसगढ़ के लिए रवाना किया गया सभी को सैनिटाइज़र मास्क और उनके भोजन की व्यवस्था की गई है और अब इस ट्रेन के लेकर के अभी तक कुल 9 ट्रेन्स यहाँ से रवाना हो चुकी हैं और काफ़ी उत्साह था ये श्रमिक हैं ये इतने दिनों से फंसे हुए थे इन्हें घर जाने की इनकी उत्कंठा थी तो इनको रवाना कर दिया गया और उम्मीद करते हैं कि अब अजमेर में ऐसा कोई भी स्टैंडर्ड मजदूर नहीं है और ये ऑपरेशन जो चलाया गया है मजदूरों को उनके घर भेजने के लिए इसमें नगर निगम ADA जिला परिषद और एक संस्था है प्रयास करके NGO उनका भी काफ़ी सहयोग रहा है तो मैं सभी को धन्यवाद अर्पित करता हूं और उम्मीद करता हूं कि अब कोरोना से संबंधित कोई भी व्यक्ति जो है यहां स्टैंडर्ड नहीं है अभी भी कुछ मजदूर है क्या अभी भी जिले में जो नहीं अब ऐसी कोई अभी हमारे पास ऐसी जानकारी नहीं है 674